बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स है काउंट डाउन ऑक्सफोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 इंशाल्लाह अभी हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम रीड करें, वो कहता है फाइंड द डेसिमल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन जो भी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 इसका फर्स्ट पार्ट है, 4 whole 1/6। दो मेथड हैं, इस पूरी को आप फ्रैक्शन जो आपको होल की फॉर्म में दी हुई है इसको कन्वर्ट करें, 6 4 24 + 1 25/6 हो जाएगा, इस तरह 25/6। 25 को अंदर रखें, 6 पे डिवाइड करें, एक तो मेथड ये हो जाएगा, आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, 4 एस इट इज आ जाएगा, 1/6 फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 1 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, 1 न्यूमिनेटर है अंदर आएगा, 6 डिनोमिनेटर है बाहर आएगा, 1 छोटा है 6 से, पॉइंट लगा 0 आ गया, 6 1 6, 4 रिमाइंडर आया, पॉइंट क्यों है 0 आ गया, 6 6 36, 4 बच गया, पॉइंट क्यों है 0 आ गया, 6 6 36, फिर 4 बच गया, पॉइंट क्यों है 0 आ जाएगा, और कंटिन्यूसली यही 6 6 जो है ना ये रिपीट हो जाएगा, ये रिकरिंग है 6। आपने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट किया 4.6, इससे आगे भी 6 ही आएगा, इससे आगे भी 6 आएगा, 6 5 से बड़ा है, जब हम आगे वाला नंबर ड्रॉप कर रहे होंगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 4.167। अगर आप इस 7 को भी ड्रॉप करना चाह रहे हैं इस 6 की जगह, तो ये हो जाएगा 4.17, क्लियर। लेकिन हम अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसको लिखते हैं, 4.167, क्लियर। मैं पीछे से वेरीफाई कर लूं कि आपको उसने जो पीछे आंसर दिए हैं वो कहां तक दिए, ताकि मैं उसी के मुताबिक फिर आपको करवाऊं। उसने 4.16 अप टू 2 डेसिमल प्लेस जो है ना इसका आंसर दिया है, और नेक्स्ट जो है उसने ड्रॉप कर दिया। अगर आप इस तरह लिखेंगे, लिसन स्टूडेंट्स, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो एक बुक वाले ने ये काम नहीं किया, लेकिन आप ज़रूर कर लें। अगर आप आगे इसमें 6 को 7 नहीं बना रहे तो इसके ऊपर यूं बार लगा दें, एक इसका ये जाएगा मैसेज कि ये 6 जो है ये रिकरिंग है, ये रिपीटिंग है। जो क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11 में हमने ऐसा किया, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है, इसको ऐड कर लीजिए कि आप इसके ऊपर बार लगा लीजिए। सर नहीं लगाएं तो क्या होगा, वो भी मिस्टेक नहीं है, क्यों, इस क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा नहीं है कि इसमें रिकरिंग में बताइए, उसने सिर्फ ये बताया इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, वो आप कर चुके। पार्ट नंबर 2, 5 whole 5/18। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने यहाँ आपको बताई कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको ऐड करें, 8 5 18 5 90 + 5 95/18 हो जाएगा। उस पूरे को कन्वर्ट कर लें डेसिमल में, या फिर 5 तो ऑलरेडी लिख दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, और इस 5/18 को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, 5/18 को पॉइंट लगाया 0 आ गया, 18 2 36, 14 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 18 6 108, 18 7 126, 14 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ गया, 18 7 126, यही आता जाएगा और यही रेपिटेशन होती जाएगी, तो 0.277। इस 7 को अगर आप नेक्स्ट नंबर जो है वो अगर इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इसको 8 बनाएंगे, अगर 8 नहीं बना रहे तो यहाँ पे ये इस बार का साइन, जिससे पता चले कि 7 वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है,
थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है सिक्स होल 16/33, सिक्स होल 16/33, सिक्स एज इट इज आ गया, 16/33 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट लगाया जीरो आ गया, 33 फाइव जा 165 हो जाएगा, फोर जा 132 आई थिंक जी, अब रिमाइंडर क्या आया 28 आ गया, पॉइंट की वजह से जीरो आ गया, 33 फाइव जा 165 198 सिक्स जा सेवन जा एट जा एट करके देखते हैं, ठीक है ये होगा, रिमाइंडर क्या आया 16 आ गया, अब ये 160 बन गया पॉइंट की वजह से, 33 फोर जा 132 फिर बच जाएगा 28 जीरो फिर एट जा, अब आप देखेंगे ये 4848 वो नंबर है जो रिपीट होगा 6.48, इस 48 के ऊपर यूं बार लगा दें, रिपीट हो रहा है, ये रिकरिंग है, यहां पे ये 6 रिकरिंग था, यहां पे ये 7 रिकरिंग है, तीन पार्ट हमारे हो गए, फोर पार्ट की जानिब जाते हैं, फोर्थ वन है 10 होल 7/75, 10 होल 7/75, 10 तो वैसे का वैसे ही आ गया पॉइंट, 7/75 पॉइंट लगाया जीरो, लेकिन 75 फिर भी 70 से बड़ा है तो यहां पे एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली फिर यहां पे भी जीरो आएगा, ये नंबर यही है ना 7/75 ओके। अब इस डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63 + 4 67, रिमाइंडर 26, पॉइंट की वजह से जीरो आ गया, 75 3 75 2 150 और 2 5 5 5 3, पॉइंट की वजह से जीरो हो जाएगा, लेकिन हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकाल लिया है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं, काम बढ़ाएंगे तो चलता चला जाएगा आगे, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, फोर पार्ट्स हो गए, आइए अब हम पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं, अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी कि कोई भी वीडियो है लेक्चर है उसको पूरा देखिए, कल फिर एक और कमेंट था स्टूडेंट का कि सर ये क्वेश्चन में जो है वो कोई क्वेरी है हमारी, उससे ये शो हो रहा था कि उन्होंने वो जो वीडियो है वो थोड़ी सी देखी है और पूरी देखी नहीं, जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, और आप फिर वही सवाल वही क्वेश्चन जो इसको अराइज करेंगे जो कि ऑलरेडी एड्रेस हुआ हुआ, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज अगर हम देखें 2C, एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट जो करवाया उसमें है 14/15 लास्ट में, वो हमसे हमने लिख दिया था 4/15, लेकिन उसी वहीं जब हमने देखा कि ये 4/15 से हमसे 14/15 की जगह 4/15 लिखा गया है तो हमने इसको फौरन 14/15 किया, लेकिन वो बच्चे सिर्फ वो इतना सा देखते हैं और जो है बाकी पूरा नहीं देखते, फौरन जो है वो कमेंट करते हैं या उस पर क्वेश्चन अराइज करते हैं, आप कंप्लीट एटलीस्ट वीडियोज़ को वॉच करें फिर आपको समझना है फिर पूछें,
क्लास में भी अगर आप नोट करें तो आप स्टूडेंट को टीचर जो है वो पूरी एनर्जी के साथ जो है वो बता रहे होते हैं। स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो चीज़ों को पूरे फोकस से नहीं सुनते या पूरा नहीं सुनते, बीच में से चीज़ों को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप टीचर की बात को ये अपनी लाइफ में भी लाइए कि कोई बड़ा भी बात कर रहा है तो उसको पूरा सुनने की कोशिश कीजिए, उसको पूरी तवज्जो से सुनने की कोशिश करें। क्लास में टीचर जो है अगर वो आपको कुछ चीज़ बता रहा है उसको पूरा सुने ताकि आपको पूरा समझ में आए। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और कि काफ़ी सारे जो मैंने दो दिन पहले एक कमेंट देखा कि सर अगर चैप्टर नंबर 3 आपने स्टार्ट करवा दिया है तो वो वीडियो सेंड कर दें। सेंड कैसे होंगी भाई? ऑब्वियसली वो चैनल पे अपलोड होंगी। और इस बात का हालांकि और चैप्टर नंबर 3 को अपलोड करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, इसको अपलोड किया जा रहा है, इसके कुछ क्वेश्चंस हो गए, आखिरी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो भी आज हो जाएंगे। इससे ये जाहिर होता है कि वो उस स्टूडेंट ने या उस पर्सन ने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया। इसीलिए मैं आपसे कई दफ़ा कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही वो एक्सरसाइज वो क्वेश्चन अपलोड होगा फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन अपलोड हुआ कौन सा नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं, पार्ट नंबर 5, 13 होल 9 upon 37 13 एज इट इज आ गया, 9 upon 37 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। पॉइंट लगाया 0 आ गया, 37 टू जा 74, 16 आ गया रिमाइंडर, 16 आ गया। पॉइंट की वजह 0 आ गया, 37 फोर जा 148, 12 रिमाइंडर आ गया। पॉइंट की वजह 0 आ गया, 37 थ्री जा 111, रिमाइंडर आ गया 9। ये आगे इसी तरह चलता चला जाएगा। ये देखे ना, 0.243 रिपीट होगा, 9 आ गया, पॉइंट की वजह 0 आ जाएगा, 90 बन जाएगा, यही 243 रिपीट होगा। तो हमने इसी 243 को लिख दिया। इसके ऊपर अगर आप यूँ बार लगाना चाहें तो लगा दीजिए, इसका मतलब है ये 243 रिपीट हो रहा है, यही आ रहा है बार बार, रिकरिंग है। जो बार बार नंबर रिपीट हो वो क्या होता है? रिकरिंग होता है, उसको रिपीटिंग कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6, 1 whole 41 upon 185, 41 को अंदर रखेंगे, 185 को बाहर रखेंगे। पॉइंट लगाया 0 आ गया, क्या यही है नंबर 185? ठीक है, 2 जा 370 हो गया, 40 रिमाइंडर। पॉइंट की वजह 0 आ गया, 2 जा 370 हो गया, 30 रिमाइंडर। पॉइंट की वजह से 0 आ गया, 2 जा 300 से बढ़ जाएगा तो 1 जा 185, 15 रिमाइंडर। 0 आ गया, 1 जा, लेकिन 1 जा भी बड़ा हो जाएगा तो हमें यहाँ पे एक 0 और लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह ये काम कंटिन्यूसली ये आगे एक्सटेंड होता चला जाएगा। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकाल लिया, बस यहीं पे रुक जाते हैं। आंसर आ गया 1.41 upon 185 का आंसर क्या आया? 0.221। सिक्स पार्ट हो गए, अब हम 7th पार्ट की जानिब चलते हैं, विच इज 1 whole 3 upon 14, 1 whole 3 upon 14। 1 तो एज इट इज आ गया, 3 upon 14 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, 14
पॉइंट लगाया, जीरो आ गया, 14 2 ज़ा 28, 2 बज गया पॉइंट की वजह, जीरो आ गया, 14 1 ज़ा 14, 6 बज गया पॉइंट की वजह, जीरो आ गया, 14 3 ज़ा 14 4 ज़ा 56 हो गया, 4 बज गया पॉइंट की वजह, जीरो आ गया, 14 2 ज़ा 28, 12 बज गया पॉइंट की वजह, जीरो आ गया, 14 8 ज़ा 112, फिर 8 बज गया पॉइंट की वजह से, जीरो आ गया, 14 5 ज़ा 70, 10 बज गया पॉइंट की वजह से, जीरो आ गया, 14 7 ज़ा 98, 2 बच गया पॉइंट की वजह से, जीरो आ गया, फिर 14 1 ज़ा 14 हो जाएगा, और फिर 6 बच जाएगा, फिर ये सारा प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हुआ, 1.21428577, 7, उसके बाद फिर 1 है, तो आप नोट कीजिए ये 1 के बाद 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर 1 से आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, आप जितना आगे चलते जाएंगे यही ये नंबर 1 4 2 8 5 7 1 यही रिपीट होता जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने ये बार लगा दी, इसका मतलब ये है कि ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट होगा, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है 40/41, फोर्टी को अंदर रखेंगे, 41 पे डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट की वजह जीरो आ गया, 7 ज़ा, यहां 25 आ गया रिमाइंडर, पॉइंट की वजह जीरो आ गया, 41 6 ज़ा, फिर 4 आ गया पॉइंट की वजह से, जीरो आ गया, लेकिन ये 40 इस 41 से फिर छोटा है, ये देखिए वही 40 बन गया। अब यहां पे जीरो लगाएंगे एक एक्स्ट्रा, तो डेफिनेटली हमें यहां पे भी लगाना पड़ेगा, अब ये बन गया 40, फिर वही होगा 41 9 ज़ा 369 रिमाइंडर, 31 पॉइंट की वजह जीरो, और यही सारा प्रोसेस, ये जो है नंबर है 97560 ये रिपीट होता जाएगा, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि तो अगर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो वही नंबर बार बार रिपीट होगा जो हम कर चुके, 9756। इसके ऊपर ये बार लगा दीजिए, इसका इस बार का मतलब क्या है कि ये वो नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन जिनकी होगी, और रिकरिंग है, रिपीट का मतलब रिपीटिंग, रिकरिंग। नाइन्थ पार्ट, 90 होल 5/11, 90 होल 5/11, पार्ट नंबर 9, 5 को अंदर रखेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे, 90 तो वैसे ही आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट की वजह जीरो आ गया, 11 4 ज़ा 45, 5 रिमाइंडर, 11 4 ज़ा 44 सॉरी, और 6 रिमाइंडर, 60 बन गया, 11 5 ज़ा 55, 5 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह से जीरो आ गया, 11 4 ज़ा 44, 6 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह जीरो आ गया, 11 5 ज़ा 55, 5 रिमाइंडर, पॉइंट की वजह 4 5 4 5, मतलब यही 45 या 4 5 वो नंबर है जो रिपीट हो रहा है, इस 45 के ऊपर ये हमने बार लगा दी।
क्वेश्चन नंबर 12 के ऑल पार्ट्स हम कर चुके। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब चलते हैं। थर्टीन क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3 का, चैप्टर नंबर 3 की एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर, क्लॉथ की लेंथ इतनी है, उसमें से उसने 217.43 सेंटीमीटर कट कर लिया, तो कितना जो है वो क्लॉथ का पीस जो है वो बच गया। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ या ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ 674.95 सेंटीमीटर, पीस ऑफ क्लॉथ कट, जो काट दिया वो कितना था, 217.43 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का वो हिस्सा, वो लेंथ जो बच गई रिमेन, ये फाइंड करनी है। कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, 674.95 माइनस 217.43, तो आइए करके देखते हैं, 674.95 यहाँ पॉइंट वाली, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 3 गए 2, 9 में से 4 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 6 बचा हुआ क्योंकि 1 कैरी कर लिया था, 6 में से 1 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 457.52 457.52 सेंटीमीटर पीस ऑफ क्लॉथ जो बाकी। देयरफॉर ये तीन डॉट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर हैंस प्रूव, कितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन इज इक्वल्स टू, लेकिन उसने मांगा है आपसे अप टू वन डेसिमल प्लेस, तो वन डेसिमल प्लेस बस यहां 5 तक लिखेंगे हम आंसर, 457.5। आई होप क्लियर हो गया सारा, फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझसे जरूर कमेंट्स में पूछिएगा। हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 विच इज अबाउट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वो स्टार्ट करते हैं, उसमें मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।